बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने जोमेटो से इडली मंगवाई और उसके बाद मैं अपना टॉप प्रेस करने लग गई थी। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे। एंड ये मेरा शादी के बाद में सेकंड वैलेंटाइन डे। जो फर्स्ट वैलेंटाइन डे था उस पे हम लोग थे पुष्कर में। हाँ, तो उस दिन मेरे लिए कुलदीप ने रिजॉर्ट बुक करा था एंड वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए बहुत ही क्यूट सरप्राइज प्लान किया था। उस टाइम पर आई थी मैं व्लॉगिंग करती थी, शायद मैंने एक व्लॉग डाला भी था लास्ट वैलेंटाइन डे का। हमने छोटा सा केक कट किया था और इस तरीके से सेलिब्रेट किया था। एंड अभी जो वैलेंटाइन डे आया है वो इतना ज़्यादा बिजी वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं कल रात को ही शादी में से आई हूँ। मतलब मेरे भाई की शादी थी, सो मैं कल रात को ही आई हूँ गाँव से। एंड आज मैं पूरा दिन सुबह से मैं पूरे दिन से वही अपना कमरा सेट करने में लग रही थी, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं शादी में से तो इतना ज़्यादा सामान हो जाता है, वो सब सेट किया। एंड अभी बज रहे हैं रात के 7। उन्होंने कुलदीप ने मुझे फ़ोन किया कि फटाफट से रेडी हो जाए, वैलेंटाइन डे है तो हम लोग कहीं मूवी और डिनर के लिए चल रहे हैं। सो बस मैं फटाफट से रेडी हुई हूँ, अभी जस्ट शावर लिया है मैं काम करके, जस्ट अभी फ्री हुई थी। एंड ये टॉप मैंने पहना है, मुझे कुछ रेड ही पहनना था। एंड ये मैंने खरीदा था जब मैं मुंबई गई थी, मुंबई गोवा गई थी, आपने ब्लॉग देखे थे, उस टाइम पर मैंने ये टॉप खरीदा था। बट ये मैंने पहना ही नहीं था, एक बार भी नहीं पहना है। सो अभी जस्ट इसका मैंने टैग निकाल के मैंने पहन लिया, थोड़ा मुझे रेड रेड भी मिल गया है। एंड चूड़ा वगैरह मैंने शादी के लिए पहना हुआ था, फिर मैंने ना निकाला, चेंज ही नहीं किया, पता नहीं मुझे कोई ऐसा अच्छा लग रहा था, नई नई शादी वाला फील आ रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं निकाला है। बस मैं तैयार हो गई हूँ और अभी हम लोग चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे क्या अपना वैलेंटाइन सेलिब्रेट करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड पता नहीं मेरे यहाँ पर क्या हो गया, एक बहुत बड़ा ऐसे निशान सा हो गया था, अभी थोड़ा सा सही हो गया है। आई डोंट नो ज्वेलरी निकालते टाइम या किस तरीके से क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा मुझे भी। हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी वैलेंटाइन डे। अच्छा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मूवी देखने जा रहे हैं। आपको पता हम लास्ट वैलेंटाइन डे पे कहाँ थे? ओह याद है, हम रिजॉर्ट में गए थे, केक वेक लाए थे आप, रेड कलर का हार्ट वाला। सो अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी के लिए और डिनर के लिए। सो हमारा ये प्लान है आज का वैलेंटाइन का। बाकी वैलेंटाइन डे वीक तो हमारा शादी में निकला है पूरा बाकी, लेकिन हाँ हम लोग टाइम से आ गए 14 फेब को हम लोग। सो बस अभी हम लोग जा रहे हैं। कैसे लग रही हूँ आज मैं? तो हर दिन प्यार का दिन ही होता है, लेकिन ठीक है 14 फेब को बोलते हैं प्यार का दिन, तो खुद को भी ऐसा स्पेशल फील आता है कि चलो आज कहीं कुछ सेलिब्रेट कर लेते हैं। और देखते हैं हम कौन सी मूवी देखेंगे, कौन से भी मिल जाती है। वैसे प्लान तो मैंने कुछ और बनाया था आज का, अभी बता देती हूँ कुलदीप के सामने। मैंने सोचा था कि टेबल वगैरह बुक करवाऊंगी किसी अच्छे से कैफे में एंड वहाँ जाके हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बट शादी के चक्रों में इतना वो। थैंक यू, आई लव यू कुलदीप, आई लव यू कुलदीप। तो हमने ये प्लान बनाया था कि हम लोग वहाँ, मतलब मैंने प्लान बनाया था कि कुलदीप को सरप्राइज दूंगी, बट शादी में चक्रों में और मैं सुबह से कॉल कर रही हूँ कैफे वगैरह में, बट जो टेबल्स हैं वो सारी रिजर्व हो चुकी हैं और सो कोई टेबल मिली ही नहीं। तो अभी जैसे भी जो भी सेलिब्रेट होगा हम लोग वो करेंगे। देखिए अपनी सेफ्टी के लिए आती है कोई लड़की पुलिस स्टेशन, और पुलिस ही पीछे पड़ जाएगी तो कहाँ जाए हम? हाँ आप जैसे समझ रही, वैसा नहीं है वो, पुलिस वाला बैठा नहीं है ये। तो क्या बात है फिर? इंटरवल हो चुका है और हम लोग जस्ट भी थोड़ा सा बाहर आ गए थे, वॉशरूम वगैरह भी जाना था और कुछ खाना था। मूवी बहुत अच्छी लगी हमें, मूवी बहुत 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 अच्छी है। राजकुमारी आई थिंक, हाँ उनकी जो मूवीज़ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं एंड मूवी बहुत अच्छी लग रही है हम लोगों को। बस अभी हम लोग बाहर आए। फोटो भी लेने दो, फोटो ये
फाइनली मूवी खत्म हो गई। मूवी बहुत अच्छी थी। कितनी अच्छी थी ना? कैसी लगी? अच्छी थी ना। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं नहीं खाना खाने, हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। एंड एक चीज बता देती हूँ मैं आपको, मतलब ये अच्छा ये है मेरे ओरिजिनल हेयर्स जो आप मेरे फोटो शूट्स वगैरह में देखते हो वो मैं स्ट्रेट करती हूँ। मतलब अभी जैसे मैंने अभी हेड वॉश किया है आज, तो मेरे हेयर्स अभी ऐसे हैं। अब एक दो दिन में क्या होगा ना, ये धीरे धीरे अपने आप स्ट्रेट होते जाएंगे। मतलब प्रॉपर स्ट्रेट नहीं होते हैं बट हाँ मेरे हेयर्स स्ट्रेट हो जाते हैं अपने आप एक दो दिन में। और जैसे मैं हेड वॉश करती हूँ मेरे बाल इस तरीके से कर्ली रहते हैं। एंड कुलदीप को जो मेरे ये वाले हेयर्स पसंद है ना, मेरा बहुत मन करता है मैं परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग करवा लूं, बट कुलदीप को मेरे ये नेचुरल जो इस तरीके से कर्ली हेयर्स है वो बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए मुझे करवाने नहीं देते हैं कर्ली। और जो फोटोशूट वगैरह में देखते हो वो मैं करती हूँ स्ट्रेटनिंग, बट कभी कभी पता है इस तरीके से कर्ली बहुत अच्छा लगता है। जैसे आज बहुत अच्छे लग रहे हैं इस तरीके से कर्ली हेयर्स। सो ये था हमारा छोटा सा वैलेंटाइन सेलिब्रेशन, और हम लोग भी ऐसे ही करते हैं सेलिब्रेट। होपफुली आपको भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी हो रहे हैं 12:45 और हम लोग घर आ चुके हैं। मेरी वॉच चार्ज है फुल, सो डोंट डू दिस।